चंद्रपुर महानगर पालिका के विरोध में चंद्रपुर शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर किया भीख मांगो आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामू तिवारी ने किया। यह आंदोलन किस संदर्भ में किया गया था, जानने के लिए देखते हैं ये पूरी खबर। महानगर पालिका प्रशासन ने शहर के मौलाना अबुल कलाम आजाद बगीचे में प्रवेश के लिए शुल्क लेना शुरू किया। इस निर्णय का निषेध दर्शाते हुए कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष रामू तिवारी के नेतृत्व में चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बुधवार 4 जनवरी को दोपहर 4 बजे भीख मांगो आंदोलन किया गया और उसके बाद इस भीख से प्राप्त 3,167 रुपए की रकम आयुक्त उपायुक्त ने नहीं स्वीकारा, जिसके कारण मुख्यमंत्री सहायता निधि में यह रकम जमा की जाएगी। ऐसी जानकारी कांग्रेस कमेटी द्वारा दी गई एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है। महात्मा गांधी चौक से भीख मांगो आंदोलन की शुरुआत की गई, उसके बाद शहर के मुख्य मार्गों पर स्थित दुकानदार छोटे व्यापारी से भीख मांगी गई तथा आजाद बगीचा परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनपा प्रशासन के विरोध में घोषणाबाजी करते हुए प्रवेश शुल्क रद्द करने की मांग की। इस आंदोलन में जिलाध्यक्ष रामू तिवारी, ओबीसी आघाड़ी के शहर जिलाध्यक्ष प्राचार्य नरेंद्र बोबड़े, युवा कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष राजेश अडूर, महिला कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष सुनीता अग्रवाल, पूर्व नगर सेवक प्रवीण पडवेकर, स्वाति त्रिवेदी, पूर्व नगर सेविका संगीता भोयर, सकीना अंसारी, ललिता रेवल्लीवार, प्रीति शाह, गोपाल अमृतकर, पूर्व नगर सेवक दुर्गेश कोडाम, पूर्व नगर सेवक राजेश रेवल्लीवार, मनोरंजन राय, बापू अंसारी, मनीष तिवारी, पप्पू सिद्दीकी, नौशाद शेख, राहुल चौधरी, विजय पोहनकर, केशव रामटेके, तवंगर भाई, राजू वासेकर, हर्षा चांदेकर, किसान सेल के जिलाध्यक्ष भालचंद्र दानो, काशिफ अली, यश दत्तात्रेय, मुनू रामटेके, अंकुर तिवारी, राम कोंडरा के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सहभागी हुए। वहीं इस मौके पर एक व्यापारी बांधव ने मनपा के निर्णय का विरोध करते हुए क्या कहा, आप स्वयं सुनिए उन्हीं की जुबानी। हाँ बोलो। राजेश ज्ञानचंद कालेरा, मैं बोल रहा हूँ, महिला साड़ी सेंटर वाला। कि ये जो कांग्रेस का शहर कांग्रेस अध्यक्ष जो बोल रहे हैं, ये सही बात है इनकी। लेकिन इन्होंने जो हमारे राउंड मारने को, 4 राउंड में भी इन लोगों ने इतना पैसा ले रहे हैं हमारे से, ये गलत काम है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। महानगर पालिका गलत काम। तो सुनिए इस आंदोलन के संदर्भ में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रामू तिवारी ने क्या कहा। आज चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर भीख मांगो आंदोलन किया है। ये भीख मांगो आंदोलन हमने इसलिए किया है कि चंद्रपुर शहर में एक ही बगीचा है जो सभी, जहाँ पर बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिला है, सभी हमारे भाई बहन यहाँ आते हैं और उसके ऊपर भी 10 रुपये प्रवेश शुल्क लगा दिया है। उसका हम निषेध करने के लिए भीख मांगो आंदोलन कर दिया है क्योंकि पूरे भारत में सबसे प्रदूषित अगर शहर है तो वो है चंद्रपुर। उसमें भी एक अगर बगीचे को हम महानगर पालिका वाले जो हजारों रुपए, लाखों रुपए लोगों से टैक्स के रूप में वसूल करते हैं, पर एक बगीचे के लिए भी वो प्रवेश शुल्क लगाते हैं, तो हम उसका निषेध करते हैं और महानगर पालिका को हम कहना चाहते हैं कि उन्होंने जल्द से जल्द ये प्रवेश शुल्क रद्द करने को, चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी इससे भी उग्र आंदोलन करेंगी। भीख की रकम हम महानगर पालिका के कैफों को देंगे, ले जाके कैफों को देंगे। सिटी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि वैभव यारकर की रिपोर्ट।